नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पे। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो जो कि बेस्ड है बिहार करंट अफेयर्स के क्विज पे। जनवरी से लेके अगस्त महीने तक के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे क्वेश्चन एंड आंसर हम देखेंगे। अभी तक पार्ट 5 तक हमने कर लिया है एंड टुडे विल बी डूइंग पार्ट 6। और अगर आपको चाहिए इस वीडियो का PDF तो आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम का चैनल BPSC 65th प्री, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है, विथ विच इंस्टीट्यूशन IIT पटना कोलैबोरेटेड टू इम्प्रूव हेल्थ सर्विसेज ऑफ द स्टेट। तो पटना, IIT पटना और एम्स के बीच MOU साइन हुआ है ताकि हेल्थ सर्विसेज जो है हमारे स्टेट में बिहार में उसको इम्प्रूव करा जा सके, ठीक है। तो IIT पटना और एम्स के बीच में, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच टीम वन एट 38th सब जूनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन चैम्पियनशिप दिस ईयर। बैडमिंटन चैम्पियनशिप है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ओके, दिस इज तमिलनाडु। तमिलनाडु और बिहार का फाइनल हुआ था, फाइनल में तमिलनाडु की टीम और बिहार की टीम गई थी, तो बिहार नहीं जीत पाया था, तमिलनाडु जीत गया था। हु फ्रॉम बिहार वन पद्म भूषण अवार्ड दिस ईयर। तो बिहार में इस बार 5 पद्मश्री अवार्ड मिला है और 1 पद्म भूषण अवार्ड, और ये पद्म भूषण अवार्ड जो मिला है वो हुकुम नारायण देव जी को मिला है। बाकी ये गोदावरी दत्त, मनोज वाजपेयी, राजकुमारी देवी, इन लोगों को पद्म श्री अवार्ड मिला है। फिर हु इज़ ऑल्सो नोन एज किसान चाची। तो किसान चाची जो है ये राजकुमारी देवी हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है एग्रीकल्चर के फील्ड में, और इनका नाम निकनेम इसलिए क्योंकि इन्होंने एग्रीकल्चर में अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, योगदान दिया हुआ है, इसके वजह से इनका निकनेम हो गया किसान चाची। तो राजकुमारी देवी वॉज ऑल्सो वन पद्मश्री अवार्ड दिस ईयर, उनका टाइटल है, उनका निकनेम है किसान चाची। नेक्स्ट, बिहार्स फर्स्ट होम्योपैथी रिसर्च सेंटर विल बी बिल्ट इन। तो होम्योपैथी को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए होम्योपैथी रिसर्च सेंटर बनने वाला है, और वो कहाँ बनेगा, वो पटना में बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। बुलेट ट्रेन इन बिहार विल बी रन बिटवीन। तो बुलेट ट्रेन का जब भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो बिहार में भी एक ट्रेन चलने वाली है जो कि पटना से लेके प्रयागराज तक चलेगी, मतलब जो पुराना इलाहाबाद था वहाँ तक, प्रयागराज तक चलेगा। तो ये बिहार को डेडिकेटेड, मतलब बिहार से लिंक्ड बुलेट ट्रेन हो गया ये, पटना टू प्रयागराज इसका रूट होगा। वर्ल्ड पीस पैगोडा विल टर्न हाउ ओल्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड पीस पैगोडा जो है इसका कितना साल मनने वाला है, इस बार 50वीं वर्षगांठ मनाया जाएगा, और ये मनाया जाएगा राजगीर में, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 ईयर्स। टू कम्बैट साइबर क्राइम इन द स्टेट IIT पटना कोलैबोरेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो इसमें क्या हुआ है, साइबर क्राइम की बात है, तो यहाँ पे एक ही इंस्टीट्यूशन है जो कंप्यूटर से डेडिकेटेड है, CDAC, और इसका ब्रांच जो कोलकाता वाला है उसके साथ हुआ है MOU साइन हुआ है IIT पटना का और CDAC कोलकाता का, ताकि हमारे स्टेट में जो साइबर क्राइम है उससे हम कम्बैट कर सकें साइबर क्राइम को। विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्स इन सेंटेनरी ट्यूबवेल स्कीम। तो इसमें पटना मोस्ट ऑफ द स्कीम नहीं कह सकते, पटना इसका आंसर है, पटना डिस्ट्रिक्ट इसको अप्लाई करने में, इम्प्लीमेंट करने में टॉप किया है। हु फ्रॉम बिहार बिकेम इलेक्टेड एज सीनेट मेंबर ऑफ वॉशिंगटन। दिस इज इम्पॉर्टेंट, बिहार की रहने वाली हैं ये, और ये वॉशिंगटन DC में जाके सीनेट मेंबर इलेक्ट हो गए, तो इनका नाम है मोना दास आंसर हो जाएगा इसका, ये बिहारी हैं और इनको सीनेट मेंबर बना लिया गया वॉशिंगटन में। Where will first crocodile conservation center be opened in Bihar? तो बिहार में पहला crocodile conservation center
क्रोकोडाइल को कंजर्व करने वाला सेंटर कैमूर में बनने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर। हु फ्रॉम बिहार हैज़ बीन कन्फर्ड विथ कॉवेटेड विमेन एक्सीलेंस अवार्ड? तो ये रश्मि सहाय, इसका आंसर है रश्मि सहाय जी को चुना गया है वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड के लिए। सीएम नीतीश कुमार हैड बीन अवार्डेड विकास युग पुरुष अवार्ड बाय, तो सीएम जो है हमारे नीतीश कुमार जी, इनको विकास युग पुरुष अवार्ड मिला था। और ये दिया कौन था? ये जो टेंपल है तख्त श्री हरमंदिर साहब वाला जो पटना वाला है, वहीं पे एक फंक्शन जब हो रहा था जनवरी के मंथ में, तो उनको विकास युग पुरुष का अवार्ड दिया गया सीएम नीतीश कुमार जी को तख्त श्री हरमंदिर साहब के तरफ से। इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज 2016 वाज कन्फर्ड टू, तो 2016 इस बार 4 साल के लिए इस बार एक ही साथ दे दिया गया है। तो इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज 2016 जो मिला है वो बिहार को मिला है फॉर सुलभ इंटरनेशनल जो बिंदेश्वरी पाठक का है, उनको मिला है ये गांधी पीस प्राइज 2016 के लिए, कंफ्यूज नहीं करना है, 2016 के लिए इनको मिला है। अभी हम 2019 में है, लेकिन अनाउंसमेंट इसका इसी साल हुआ है, और ये 2016 के लिए मिला है बिंदेश्वरी पाठक सुलभ इंटरनेशनल वाले को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी, तो साइंस सिटी जो पटना में बनने वाला है राजेंद्र नगर में, उसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी रखाएगा। और ये वर्ल्ड का, अगर ये बन जाएगा तो वर्ल्ड के जो टॉप 10 साइंस सिटीज़ हैं उसमें इसकी रैंकिंग आ जाएगी। बहुत ग्रैंड बनने वाला है ये साइंस सिटी। तो ये कहाँ बनेगा? ये पटना में बनेगा। बुद्ध सामयिक दर्शन संग्रहालय, तो बुद्ध सामयिक दर्शन संग्रहालय बना था, म्यूज़ियम बना था, वो कहाँ बना था? वो वैशाली में बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे क्वेश्चन BPSC में आते रहते हैं। हु फ्रॉम बिहार वर मार्टियर्ड इन पुलवामा अटैक्स, तो पुलवामा जो अटैक हुआ था उसमें बिहारी भी थे दो जो शहीद हो गए थे, एक तो संजय कुमार सिन्हा जी थे और दूसरा रतन कुमार जी थे। तो इसका आंसर बोथ ऑफ देम है, संजय कुमार सिन्हा और रतन कुमार दोनों शहीद हो गए थे पुलवामा अटैक में, तो इनका नाम आया था पेपर। बाई विच ईयर विल बिहार बी ट्यूबरक्लोसिस फ्री स्टेट, तो बिहार को ट्यूबरक्लोसिस फ्री बनाने के लिए जो डेडलाइन है ईयर वो है 2025 तक हमें अपने स्टेट को ट्यूबरक्लोसिस फ्री बना लेना है। और कालाजार फ्री स्टेट भी हमें 2025 तक ही बनाने लेना है। ये बिहार गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो 2025 तक कंप्लीट हो जाना है, बिहार को ट्यूबरक्लोसिस और कालाजार फ्री स्टेट बना लेना है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वॉज ओपनड एट, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अभी खुला था इन द मंथ ऑफ आई थिंक जनवरी और फेब, तो भागलपुर में खुला था ये, तो इसका आंसर भागलपुर हो जाएगा। विच इंस्टीट्यूशन वॉज अवार्डेड विथ यूट्यूब्स क्रिएटर अवार्ड, तो यूट्यूब का क्रिएटर अवार्ड मिला था किस इंस्टीट्यूशन को? तो BAU जो है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो इन लोग को मिला था, इस ग्रुप को मिला था, इस इंस्टीट्यूशन को मिला था YouTube का क्रिएटर अवार्ड। विच ट्रेन गॉट डीरेल एट वैशाली, हाँ तो यहाँ पे हमने देखा था इन द मंथ ऑफ जनवरी आई थिंक, कौन सी ट्रेन जो थी वो सीमांचल एक्सप्रेस जो थी वो डीरेल हो गई थी, पटरी से उतर गई थी, तो बहुत लोगों का एक्सीडेंट भी हो गया था जिसके वजह से, तो ये न्यूज़ में आया था, इसलिए सीमांचल एक्सप्रेस बिहार में डीरेल हो गया था वैशाली के पास। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन, तो बैकवर्ड कमीशन ही बैकवर्ड क्लास होगा, हाँ तो इसका आंसर है भगवान लाल साहनी जी। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है इसके चेयरमैन किसको बनाया गया है यहाँ पे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन यहाँ पे होगा
चेयरमैन फॉर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा भगवान लाल सहानी। BAU collaborated with which international body to develop agro technologies in area of modern farming? तो ये सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ हुआ है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है और उसके साथ हुआ है BAU का कोलैबोरेशन, ताकि जो एग्रीकल्चर की फील्ड में मॉडर्न फार्मिंग को डेवलप करना है, टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, तो उस पर ये लोग मिलकर काम करने वाले हैं। न्यूट्रिशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर विल बी ओपन्ड इन, तो ये पटना का जो हॉस्पिटल है PMCH, इसमें खुलने वाला है न्यूट्रिशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। विच ऐप वॉज लॉन्च बाई ECI टू हेल्प पार्टीज टू गेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट? तो NOC पार्टीज़ को मिलने के लिए बहुत सुविधा तरीके से, बहुत आसान तरीके से मिल जाए, इसीलिए ECI ने इस बार, अब की बार वाले इलेक्शन में सुविधा ऐप को लॉन्च किया था। इससे NOC सर्टिफिकेट पार्टी मेंबर को बहुत आसानी से मिल जाते, तो इसका आंसर हो जाएगा इसे यहाँ पे सुविधा। विच यूनिवर्सिटी वॉज रिसेंटली न्यूज़ फॉर सेलिब्रेटिंग फर्स्ट एनिवर्सरी? मुंगेर यूनिवर्सिटी है इसका आंसर। मुंगेर यूनिवर्सिटी रिसेंटली सेलिब्रेटेड देयर फर्स्ट एनिवर्सरी। टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ सिटी बस इन पटना विच ऐप वॉज हैड बीन लॉन्च्ड? तो ये था चलो, इसमें सिटी बस जो भी पटना में चलते हैं उससे रिगार्डिंग इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है। बिहार सेलिब्रेटेड 114th जयंती ऑफ विच इंडिपेंडेंस स्ट्रगलर? तो ये थे सीलभद्र यागी, हाँ पंडित सीलभद्र यागी जी थे जिनका 114वां जयंती मनाया गया है। ये बिहार के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में इनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट, हाउ मच मनी इज़ गिवन टू बेनिफिशियरी अंडर निश्चय पोषण योजना? तो इसमें 500 रुपीज़ दिया जाता है बेनिफिशियरी को, और प्रोजेक्ट का नाम, स्कीम का नाम है निश्चय पोषण योजना। हु फ्रॉम ओकामा वॉज इन्वाइटेड टू टू डे ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इन सिंगापुर? तो ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुआ सिंगापुर में, जिसमें बिहार के रोहित कुमार ने पार्टिसिपेट किया था, इसको अटेंड किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित कुमार। हु फ्रॉम बिहार कंट्रीब्यूटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफ एंटी सैटेलाइट मिसाइल? तो मिशन शक्ति जो था ए सैट मिशन मिसाइल के लॉन्चिंग में, बिहार से भी पारसनाथ द्विवेदी जो हैं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था, तो ये बहुत गर्व की बात है। इनका नाम है पारसनाथ द्विवेदी। हु फ्रॉम बिहार रिप्रेजेंटेड एट खजुराहो डांस फेस्टिवल? खजुराहो डांस फेस्टिवल में बिहार से कौन, किसने रिप्रेजेंट किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलम चौधरी, ये कथक डांसर है। बिहार डेवलप्ड मोबाइल फॉर इट्स स्टेट बर्ड प्रोटेक्शन? तो बिहार में जो स्पैरो है, स्पैरो को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, और इस मोबाइल ऐप का नाम भी है सेव स्पैरो है, ये कन्फ्यूज़न करने के लिए, प्रोटेक्ट स्पैरो नहीं है, केयर स्पैरो नहीं है, इसका आंसर है सेव स्पैरो। विच जयंती ऑफ अशोक सम्राट वॉज सेलिब्रेटेड इन बिहार? तो अशोक सम्राट का जयंती मनाया गया था, 2363rd जयंती बिहार में मनाया गया था। नेक्स्ट, हु फ्रॉम बिहार टूअर्स होल कंट्री ऑन बाइसाइकिल दस क्रिएटिंग अ हिस्ट्री? तो बिहार के जो ज्योति रुंगटा हैं, उन्होंने पूरे कंट्री में विद हेल्प ऑफ बाइसाइकिल ही टूअर कर लिया उन्होंने, तो इसके वजह से हिस्ट्री भी बना दिया है उन्होंने, तो इनका नाम है ज्योति रुंगटा ऑन बाईसाइकिल, इन्होंने पूरे कंट्री को टूर कर लिया है। डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन चार्जेस वॉज इनिशिएटेड बाय विच ऐप? तो बिहार में जो डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन चार्ज होता है, तो वो कैसे कलेक्ट होगा? तो जो पेटीएम ऐप है उसके थ्रू हो जाएगा ये गार्बेज कलेक्शन चार्जेस, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था, इसका आंसर हो जाएगा पेटीएम।
PMCH will collaborate with which institution to develop pneumococcal? है ये pneumococcal vaccine for young ones. तो ये ICMR, Indian Council of Medical Research जो institution है उसका PMCH प्लस ICMR ये दोनों मिलके pneumococcal vaccine को develop करेंगे. Which organization recruited women as ATM guard in Patna? तो ये women empowerment का एक मतलब एक significance step है. और ये किसने किया था? ये किया था SBI ने. नेक्स्ट. अच्छा तो इतना ही था. दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप वॉचिंग अस एंड अपडेटिंग योरसेल्फ. लाइक्स एंड सब्सक्राइब टू नॉलेज ट्वीट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.